जरा देखिएगा क्वेश्चन पर वन का फिफ्थ पार्ट है, x such that x is a triangle in a plane, x such that x is a triangle in a plane. एक तो ये है, फिर बीच में डैश लगा हुआ है, x such that x is a rectangle in the plane. अब देखिएगा, ये बोल रहे हैं x is a triangle in a plane, और हमको क्या करना है, make correct statements by filling in the symbol subset of or subset not in the blank spaces. subset का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा सेट है. एक बड़ा सा सेट का मतलब क्या है कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर 50 बेडशीट रखी हुई है और हमने उसमें से 10 बेडशीट निकाल ली, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे हाथ में जो सामान है वो उस कमरे के अंदर से निकला है, यानी कि वो सबसेट है हमारे हाथ में. सबसेट का मतलब एक बड़े सेट में से निकला हुआ सबसेट. तो आप ये देखिएगा कि ट्राइंगल्स मेरे को सेलेक्ट करने हैं, कि एक बड़ा सा प्लेन है, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, बड़ा सा प्लेन है, इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल बने हुए हैं, बहुत सारे रेक्टेंगल रखे हुए हैं इसके अंदर. तो क्या उन रेक्टेंगल्स में से मैं वो ट्राइंगल निकाल सकता हूँ? रेक्टेंगल में से ट्राइंगल तो नहीं निकाल सकते, रेक्टेंगल में से तो रेक्टेंगल ही निकलेगा. ठीक है, तो x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो ये फॉल्स है, ये इसका सबसेट नहीं हुआ, नॉट अ सबसेट ऑफ, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ. अच्छा, अब सिक्स्थ वाला देखिएगा. सिक्स्थ वाले में क्या है, x such that x is a x such that x is an equilateral triangle in a plane. Equilateral triangle in a plane. तो ट्राइंगल को जो है, ट्राइंगल को मदर सेट बोला जा सकता है. क्यों बोला जा सकता है? बोल रहा है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, वो एक वही सेम प्लेन जिसमें ट्राइंगल रखे हुए हैं बहुत सारे, तो ट्राइंगल को मदर सेट बोला जा सकता है. उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, आपका जो है आइसोसेलस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, ये सारे के सारे ट्राइंगल्स आ सकते हैं उसके अंदर. तो ट्राइंगल्स का एक सेट है बड़ा सा, उसमें से क्या हम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को छांट छांट कर निकाल सकते हैं? हम कहेंगे यस. तो ये उसका एक सबसेट होगा. और चलो ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देखो आ रहे हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर टू का फिफ्थ पार्ट देखिएगा. फिफ्थ पार्ट है,
और ये साइन है बिलोंग्स टू का, ए बी सी, ए बी, ए बी सी। तो अगर ये बोलते कि ए जो है वो ए बी सी का सबसेट है तब तो चलता, लेकिन ए बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि ए इसके अंदर का एक एलिमेंट है, तो उसको ना फिर कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते, कर्ली ब्रैकेट में हमेशा सेट को लिखा जाता है। सेट का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हमसे ये बोला जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर लिख देंगे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 टिल इनफिनिटी, तो सारे नेचुरल नंबर आ गए। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्वेश्चन नंबर टू में पूछ रहे थे कि आपको एग्जामिन करना है ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, हाँ अगर ये साइन आता कि भाई सबसेट, तो सबसेट का मतलब क्या है कि उसके अंदर से एक एलिमेंट को निकाला और निकाल कर कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, तो तब वो सबसेट क्या रहा है, तब तो ये ट्रू होता, अब ये फॉल्स है। अगर बिलोंग्स टू लिखा हुआ है तो जो एलिमेंट बाहर आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली वो इसके अंदर से निकला हुआ होना चाहिए, तो ऐसा ही जिस फॉर्म में वो लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है तो ए लिख, तो ए आप बाहर लिखेंगे तब बिलोंग्स टू ट्रू माना जाएगा, तो ये फॉल्स है। और इफ यू डन, मैंने फर्स्ट और सेकंड ही दिया था। अब नोट कीजिएगा, इंटरवल्स एज, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, ये जो कैपिटल आर है इस कैपिटल आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स, तो इंटरवल्स है सबसेट्स ऑफ आर इंटरवल्स। कई बार क्या होता है कि जब कभी हमको ब्रैकेट में कोई चीज लगा कर दे रखी है, अगर मान लीजिए हमसे ये कह दिया जाए कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड एक्स belongs to, ये मतलब होता है belongs to, x belongs to capital N, capital N मतलब natural number, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, x is greater than 1, मतलब x is equal to 2, 3, 4, 5 dot 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 करके छोड़ दीजिए, infinite set होगा, बहुत दूर तक जाएगा। अच्छा, अभी बोल रहे हैं x is greater than 1, x belongs to natural number, तो इसको तो मैं properly ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन अगर हमसे ये बोला जाए कि x is greater than 1, if x is greater than 1 और साथ में ये कह दिया जाए कि and x belongs to capital R यानी कि real number, कि real number है, तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, लिखा नहीं जाएगा, क्यों, 1 से बड़ा, तो 1 से जस्ट बड़ा अगर real number है तो real number में आपका rational, irrational सब कुछ आ गया, सारा integer, integer सब आ गया इसके अंदर, तो 1 से बड़े का मतलब क्या है कि मैं बोलूँगा 1.1 से स्टार्ट हो रहा है, तो बोलोगे 1.01, तो बोलोगे 1.00, ठीक है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, बस ये है कि वो 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़े के लिए हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएंगी जिसको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ तो चलो फिर भी समझ में आ रहा है कि 2, 3, 4, 5 मतलब 2 के बाद 3 आएगा, बीच की जो डेसिमल वैल्यूज है वो नहीं दी जाती, ना नेचुरल नंबर में ली जाती, ना होल नंबर में, ना इंटीजर्स में, उनमें प्रॉपर वैल्यूज ली जाती हैं। जब रियल नंबर की बात करेंगे तो उसके बीच की सारी डेसिमल वैल्यूज भी आएंगी, अब जब डेसिमल वैल्यूज भी आएंगी तो हम क्या कहेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, कोई और तरीका, जैसे सेट्स के लिए बता दिया कि भाई कर्ली ब्रैकेट लगा कर लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x belongs to ऐसे लिख देंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाया 1, infinity इधर भी स्मॉल ब्रैकेट, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि x belongs to 1, infinity, इसका मतलब ये है कि 1 इंक्लूड नहीं होगा, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, 1 और इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यू, सब इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रैशनल, इरेशनल सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अगर स्मॉल ब्रैकेट लिखा हुआ है तो अब से आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ली ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ सेट्स में यूज होगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर आप एलिमेंट्स लिखेंगे
तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिए जाते हैं कॉमा लगा लगा कर, ठीक है। और अगर हमारे पास रियल नंबर है और आपने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इट अगेन इंप्लाइज दैट एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन इंफिनिटी, एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन इंफिनिटी। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, और स्टार बना के लिख लेना इसको, अब यहाँ पर लिखिएगा कि सच एन इंटरवल इज कॉल्ड, सच एन इंटरवल, गुड इवनिंग, सच एन इंटरवल इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। तो जहां पर भी ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं उसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। दोबारा बताते हैं, जब भी कभी हमारे पास ऐसा आ गया लिखा हुआ कि x is greater than 1, सिर्फ ये, अगर मान लीजिए x is greater than 1 लिखा हुआ है, हमसे ये कह दिया जाता है कि x belongs to real number, कि सारे real number आ जाएंगे इसमें, तो आपको क्या करना होगा, आप लिखेंगे कि x belongs to 1, infinity, और ये जब भी कभी आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है ना, तो आप हमेशा 1, infinity लिखेंगे, कि आपको बढ़ते हुए ऑर्डर में ही जाना है, कि 1, infinity का मतलब 1 से इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर। लेकिन स्मॉल ब्रैकेट मैंने क्या है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है कि वन इंक्लूडेड नहीं है इसमें। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तब मुझे कुछ और करना पड़ता है। ऐसे इंटरवल को जो ये इंटरवल है वन से इन्फिनिटी वाला, जिसमें वन भी इंक्लूडेड नहीं है, वन भी एक्स के बराबर नहीं हो सकता और एक्स इन्फिनिटी के बराबर भी नहीं हो सकता, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, ये इसका नाम। अब इसी तरह एक्स ग्रेटर देन वन इस टाइप में लिखे, नीचे वाले टाइप का बिल्कुल एक ही बात है, वो मैंने दो तीन अलग अलग तरीके से लिख कर दिखा दिया इसको, ठीक है। जब भी कभी मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर ले रहे हैं आप, ठीक है। वो जितने भी नंबर हैं वो सब आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं, उसमें बताने की भी जरूरत नहीं है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो अपने आप ही रोस्टर फॉर्म नहीं बनेगा, रियल नंबर के लिए रोस्टर फॉर्म कभी नहीं बनेगा। सेट बिल्डर, हाँ सेट बिल्डर बन सकते हैं, हाँ जैसे आप लिखेंगे कि x is greater than 1 and x belongs to real number, बस, तो सेट बिल्डर फॉर्म बन सकता है, रोस्टर फॉर्म नहीं बनेगा रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद एक चीज और देखेंगे, अगला पॉइंट करके लिखिएगा, इफ x is greater than equal to 2, मान लीजिए x जो है greater than equal to 2 है and x is less than or equal to 7, ठीक है, and x belongs to real number, and x belongs to real number, then x belongs to square bracket 2, comma 7, और फिर इधर भी square bracket। तो 2, comma 7 आपको लिख देना है, दोनों के दोनों को square bracket के अंदर बंद कर देना है। square bracket के अंदर बंद करने का मतलब क्या है कि 2 से 7 तक आपको जाना है, जहाँ पर 2 भी included है और 7 भी included है, क्योंकि अब क्या है, अब है x is greater than equal to 2, और इन दोनों को combine करके कैसे लिख सकते हैं कि x is greater than equal to 2 और less than equal to 7, ठीक है। तो x 2 से बड़ा होगा, 7 से छोटा होगा, और 2 और 7 के इक्वल भी हो सकता है, तो ऐसे में मैं लिखूंगा x belongs to 2, 7। जब इक्वल भी हो सकता है तो इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट और इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाएगा, और यहाँ लिखेंगे सच एन इंटरवल इज कॉल्ड अ क्लोज्ड इंटरवल, इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, ठीक। अब देखिएगा कुछ और, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एक्स इज लेस देन 10, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड लेस देन 10 है, इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये ऐसे
एक्स दूसरे तो बड़ा है और टेन से छोटा है, अब इसको क्या कहें कि अच्छा यहाँ पर तो इंक्लूडेड है, यहाँ पर तो इंक्लूडेड है लेकिन यहाँ पर टेन इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे या तो सेमी ओपन बोल दो, सेमी ओपन इंटरवल, या सेमी क्लोज इंटरवल बोल दो, चलेगा दोनों में से कोई कुछ भी बोल दीजिए चलेगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू 2, 10, अब 2 तो इंक्लूडेड है तो 2 पर तो लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट, और 10 इंक्लूडेड नहीं है तो 10 पर लगा दो स्मॉल ब्रैकेट 2, 10। तो जिस नंबर के बाजू में आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है समझ लीजिए कि वो नंबर तो इंक्लूड करा जा रहा है, और जिस पर आपने स्मॉल ब्रैकेट लगाया है समझ लीजिए वो नंबर इंक्लूड नहीं करा जा रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए जी अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हाउ टू रिप्रेजेंट, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट। और हाँ एक मिनट लिख लीजिए, सच एन इंटरवल, सच एन इंटरवल इज कॉल्ड आर सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। अब लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए हाउ टू रिप्रेजेंट दीज इंटरवल्स ऑन अ नंबर लाइन। अब इन इंटरवल्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो हम तीन के एग्जांपल लेंगे, एक तीन एग्जांपल लेंगे, एक तो जैसे हमारा हो गया ओपन इंटरवल, एक हो गया क्लोज इंटरवल, एक हो गया सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ठीक है, तो इनके सबके एग्जांपल लेंगे। ओपन इंटरवल, ये जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का एग्जांपल देखिएगा जरा, हम ये कहेंगे इफ x is greater than 10 and ये 10 का नंबर थोड़ा छोटा नंबर है वो 3 है, x is greater than 3 and less than 8, x 3 से बड़ा है और 8 से छोटा है। It implies that x belongs to 3, 8 3.8 का मतलब ये हमारा ओपन इंटरवल हो गया। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर ली, इधर लिख दिया इन्फिनिटी, इधर लिख दिया माइनस इन्फिनिटी, यहाँ बीच में हो गया जीरो, या जीरो को थोड़ा इधर कर दो, जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ऐसे डॉट 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 करके छोड़ दिया। मुझे 3 और 8 चाहिए, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 3 जो x है वो 3 और 8 के बीच में है, तो आप क्या करेंगे 3 पर एक बबल बना देंगे, ऐसे एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, एक सर्कल बना दिया आपने ऐसे छोटा सा, ऐसे ही 8 पर एक सर्कल बना दिया। ठीक है, मैं तो उसको मिटाकर बना रहा हूँ, आप सीधा सीधा उसको 3 पर सर्कल बना दिया, 3 पर सर्कल बना दिया, 8 पर सर्कल बना दिया। अब क्या करेंगे, पेंसिल लेकर ये जो बीच वाला पोर्शन है, इस बीच वाले पोर्शन को डार्क कर देना थोड़ा, इस बीच वाले पोर्शन को डार्क कर दीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो ब्लू पेन से अगर करते हैं तो ब्लैक पेन इस पर चला देना एक दो बार, तो वो अपने आप रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका नंबर लाइन पर। पहली चीज तो ये तो हुआ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के बाद ये बताएं भाई ऑनलाइन वाले आदित्य सुमन क्लियर है? यस सर। ठीक है, सेकंड देखिएगा क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में देखिएगा इफ ये ले लेते हैं नंबर्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 8, x 3 के इक्वल भी हो सकता है और 8 के इक्वल भी हो सकता है, तो क्या करेंगे,
फिर से हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे x belongs to 3, 8 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यही नंबर लाइन बनाइए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके आगे इधर डॉट 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 और इधर डॉट डॉट ये लगा। अब 3, 8 तो 3 पर आप एक सर्कल बना लें ऐसे और 8 पर एक सर्कल बना लें, ठीक है, और वही काम करना है कि 3 और 8 वाला इनके बीच का जो पोर्शन है इसको डार्क कर दिया, ऐसे शेड कर दिया, इसको डार्क कर दिया। अब जो आपने सर्कल बनाया है ना 3 पर भी और 8 पर भी, उन सर्कल को फिलअप कर दो, इन सर्कल्स को ऐसे कर दो डार्क कर दो, ये और ये, बाकी सारी चीज़ें वही है। इनको डार्क करने का मतलब ये है कि इस इंटरवल में 3 और 8 ये दोनों भी इंक्लूडेड है, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, समझ गए। अब इसी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैं अब सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल लेता हूँ, एक को डार्क कर दो, एक को ऐसे ही आपकी छोड़ दो, ठीक है, वो कर दो। अब जो 3 वाला है 3 वाले पर भी ऐसे एक सर्कल बनाइए और 8 वाले पर भी सर्कल बनाइए, दोनों के बीच का पोर्शन शेड कर दो, और क्योंकि 3 इंक्लूडेड है तो 3 वाले को डार्क कर दो, बस 8 वाले पर सिर्फ सर्कल बना कर छोड़ दो, उसको डार्क नहीं करो, क्लियर। बाद पावर सेट लास्ट में मैंने बता दिया था, लास्ट क्लास में पावर सेट अ सबसेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, पावर सेट सारे सबसेट्स का जो सेट बनाते हैं उसको पावर सेट करवाऊंगा। सेट्स दे रखे हैं उसके सारे के सारे सबसेट बता दें, तो इसका जैसे फर्स्ट पार्ट है ए, ए तो इसके सारे सबसेट बता दें, तो आपको क्या लिखना होगा, जैसे कोई भी सेट होता है ना तो उसको मैं कैपिटल ए कैपिटल बी या कैपिटल सी मान लेता हूँ, तो मैंने मान लिया लेट कैपिटल ए ये एक सेट है और वो सेट आपको क्या दे रखा है, ये स्मॉल ए दे रखा है, बस इसके अंदर ए भी एलिमेंट है। पावर सेट
ऑफ ए, वैसे लिखते हैं पी और ब्रैकेट में कैपिटल ए, पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, दो प्रॉपर्टी थी सबसेट्स की। पहली चीज तो ये कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट होता है ए, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली सेट, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। एम्प्टी सेट तो आपने यहाँ पर फाई लिख दिया, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, खाली सेट। इसको बोलते हैं ऐसे जीरो लिखकर बीच में से ऐसे काट दो फाई। फाई का मतलब होता है दो कर्ली ब्रैकेट लगा दिए और बीच में कुछ भी नहीं है, खाली सेट है, एम्प्टी सेट। तो हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हम इस रूम में बोले, हम इस रूम में कहें कि मान लीजिए 10 चेयर है या 15 चेयर है, तो वो 15 एलिमेंट्स हो गए। तो हम ये कहेंगे कि इसमें एक इनविजिबल चेयर भी है, ठीक है ना, एम्प्टी चेयर है, इनविजिबल चेयर है जो दिखाई नहीं दे रही। तो वो इनविजिबल चेयर कौन सी हो गई, वो एम्प्टी सेट हो गई। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि ये जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। तो सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आ गया, कॉमा, फिर इसमें एक ही एलिमेंट है उसको सेट बना कर लिखो, मतलब ए लिख दिया और कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, और तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये दो ही हो गए बस। और फिर एक बार ये भी वेरीफाई कर लेना है कि जो हमने फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकलता है। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, मतलब एक चीज़ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एक एक एलिमेंट, तो टू की पावर एन, तो टू की पावर एन मतलब टू की पावर वन, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, दो। तो दो ही एलिमेंट्स हैं इसके, इसके पावर सेट में दो ही एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर n होता है नंबर ऑफ सबसेट्स इन द पावर सेट, पावर सेट के अंदर कितने सारे सबसेट्स होंगे, समंदर में से कितनी सारी छोटी छोटी नदियाँ निकली, ठीक है, वो है। अब देखिएगा सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में है a कॉमा b, इसको भी कैपिटल A मान लो, a कॉमा b। पावर सेट ऑफ ए, तो सबसे पहले तो कुछ सोचना ही नहीं है, सबसे पहले तो फाइव लिख देना है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, पहली चीज तो ये। उसके बाद फिर एक एक एलिमेंट के सेट बना लो, एक एक एलिमेंट। तो एक एलिमेंट उठाया ए, सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट में डालना जरूरी होता है, तो ए लिखा कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। वहाँ फिर दूसरा एलिमेंट लिया बी, बी लिखा कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। तो एक एक एलिमेंट के तो यही सेट बनेंगे, ए बन गया और बी बन गया। फिर एक और सेट क्या बनेगा, ए कॉमा बी, अब दो दो के बना दो, तो दो दो का एक बन गया ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और कुछ नहीं बन सकता। आप कहोगे नहीं मैं तो बी कॉमा ए करूंगा, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट्स के बीच, ए कॉमा बी या बी कॉमा ए, वो एक ही बात है। तो देखिए कितने सबसेट्स बन गए, एक दो तीन चार, और यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं, दो एलिमेंट्स हैं, तो टू की पावर टू मतलब बन गया ना फोर सबसेट्स। हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए तीन होते हैं इसके अंदर, तो हम एक एक करके करते, पहले एक एक एलिमेंट को उठाएंगे, अलग अलग लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट लगाकर, फिर दो दो एलिमेंट्स को उठाकर कर्ली ब्रैकेट लगाकर, फिर तीन तीन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो हमें एक 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 एलिमेंट के सेट बनाने हैं, फिर दो दो के, फिर तीन तीन के, चार है तो फिर चार चार के, ऐसे करना। तो ऑल पॉसिबल पेयर सेट बनाने की कोशिश करें जितने भी बन सकते, ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया, सेकेंड के बाद में थर्ड देखिएगा। थर्ड है 1 2 3, और अब इसका पावर सेट क्या बनेगा, सबसे पहले तो आ जाएगा 5, फिर एक एक एलिमेंट के सेट्स बनेंगे 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 3, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बन गया। अब दो दो के ग्रुप बनाएंगे, तो 1 2, फिर 1 3, फिर अब 2 3 होगा बस, क्यों एकदम से मन में ये आता है कि अच्छा 2 1 क्यों नहीं, भाई 1 2 ले लिया ना, तो ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। आपने 1 2 लिया, 2 1 लिया, तो वो सेम ही सेट कह रहा है। तो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, और कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। फिर क्या करेंगे, ये दो दो के हमने ग्रुप बना लिए, दो दो के सेट बना लिए, अब इसके बाद तीन का सिंगल ही बनेगा बस, 1 2 3। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स कितने हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स का मतलब 2 की पावर 3 यानी कि 8।
अच्छा वो फॉर्मूला होता है इसका कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं। तो वो ना ऑब्जर्वेशन से देखा गया कि सबसेट्स हमने बना बना कर देखे, तो ये देखा कि अगर दो एलिमेंट्स थे ओरिजिनल सेट के अंदर तो उसके सबसेट कितने बने, 1, 2, 3, 4, तो वो क्या हो गया 2 की पावर 2, अंदर एलिमेंट्स कितने थे 2। जब ओरिजिनल सेट में एलिमेंट 8 था सिंगल तो वो 2 की पावर 1 कर दिया, तो उसके अंदर टोटल सबसेट्स कितने बने 2 की पावर 1 यानी कि 2। अब 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मैं सिर्फ आपको वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ कि हमको चेक कर लेना है कि भाई हमने कोई सबसेट मिस तो नहीं कर दिया। जैसे 1, 2 और 3 वाले में हम सबसेट कभी मिस नहीं करेंगे, हाँ अगर 5 का आ गया तो कहीं ना कहीं हमसे मिसिंग हो सकती है, क्योंकि 5 में क्या होगा 32 सबसेट्स बनेंगे, तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है ना। तो वैसे भी आप देख लेना कि टीचर आपको 5 एलिमेंट्स के सबसेट्स निकालने के लिए देगा नहीं, क्योंकि वो चेक करने में भी उतने पागल हो जाएगा। 32 एलिमेंट्स समझ रहे हैं, तो 32 को चेक करने में दिक्कत आएगी। ठीक, इसी तरह से वो 4 जो है 4 तक दे सकता है मैक्सिमम, क्योंकि 2 की पावर 4 16, तो 16 तक काउंटेबल है, 32 बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगला देखिएगा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है 5, सिर्फ 5, मतलब ये सेट आपको 5 दे रखा है। अच्छा 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट मतलब आपने कर्ली ब्रैकेट लगा कर कुछ भी नहीं लिखा, अंदर गायब कर दिया कुछ भी नहीं, ऑलरेडी पावर सेट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पावर सेट ऑफ ए उसके अंदर सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा 5 लिख दूंगा, और 5 लिखने के बाद मतलब एम्प्टी सेट लिखने के बाद फिर एक एक एलिमेंट्स का बनाना पड़ता है सेट, फिर दो दो एलिमेंट्स का, फिर 3 है तो 3-3 एलिमेंट्स का, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो बस यही बन गया। तो इसमें अगर सबसेट की बात करें, पावर सेट के अंदर कितने सबसेट्स हैं, एक ही सबसेट बन रहा है बस एम्प्टी सेट, एक, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने थे 0, तो 2 की पावर 0 कितना होता है 1, इसका मतलब एक ही सबसेट है। ठीक है ना, ये हो गया। हाँ जी ऑनलाइन वाले बताएं, दोनों बच्चे क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है, यस सर, ओके, एक मिनट रुक जाओगे आप। वैसे आप कर रहे हैं जो ऊपर वाले हैं ना उनके पास खत्म रहा गाँव वो चले गए, लोग अच्छे थे बस कुत्ते से डर लगता था। कुछ भी हुए हैं हमारे, हाँ इन्फॉर्मेशन पब्लिक खत्म हो गया।
अगला देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 5 तो यही है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5 तो यही फोर्थ पार्ट है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा रिपीट ही करा उसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स
ये देख रहा है कि x belongs to this, ये देख रहा है, इसको कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, curly bracket x, ये कॉलन लगाओगे, कॉलन का मतलब क्या, such that x belongs to R, यानी कि x एक रियल नंबर है, कॉमा x is greater than minus 23, तो greater than equal to है ना, क्योंकि square bracket है, and less than 5, ये हो गया, और अब curly bracket लगा दिया, समझ गए, ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद आप ये बाकी के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट बिल्कुल आसान है, कोई नहीं कर दीजिएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जिसमें से एक इतना बड़ा सेट जिसमें से छोटे छोटे बहुत सारे सेट्स निकले हों, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में बोल रही हूँ, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ये है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अब इसमें ऐसा है कि जब राइट ट्राइंगल्स की बात करी जा रही है तो आप इसमें दो पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट ये द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, वो कह रहे हैं इसके लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करेंगे, तो आप ये कह दीजिए द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, भाई ऑल ट्राइंगल्स की छोटी छोटी कैटेगरी है, ऑल ट्राइंगल्स जितने भी ट्राइंगल्स हैं, कोई राइट ट्राइंगल हो सकता है, कोई आइसोसेलस हो सकता है, कोई इक्विलेटरल हो सकता है, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना आपका काम है, तो आप यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर दीजिए। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के लिए क्या लिखा जाता है, कैपिटल यू लिखते हैं, कैपिटल यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज आर ट्राइंगल, बस लिख दीजिए एक्स इज आर ट्राइंगल, एक्स इज आर ट्राइंगल, तो अब उस ट्राइंगल के अंदर हर तरीके के ट्राइंगल्स आ जाएंगे आपके पास, राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, आइसोसेलस भी आ जाएंगे, इक्विलेटरल भी आ जाएंगे, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को पेरेंट सेट या मदर सेट भी बोल देते हैं, कि वो जिसके अंदर से ही सारे सेट निकले हैं, ठीक है ना, ऐसे बोला जा सकता है। अब उसके बाद सेकेंड देखिएगा, सेट ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल्स, इसमें भी वही बन जाएगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो सेकंड पे छोड़ो, सेकंड पे था द सेट ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल्स, तो आइसोसेलस ट्राइंगल्स भी ट्राइंगल्स में से ही निकले, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, कहां पे जाएगा इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसमें से यू के बाद लिखा, अच्छा यू के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा करके लिखा एक्स, एक्स का मतलब है सेट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है ना उसको हम एक्स बोलते हैं, तो पहले तो लिख दिया x, such that का मतलब ये है कि अब मैंने x को explain करना है, x को define करना है, x is a triangle, कि x एक triangle है, और triangle की ही सारी types होती हैं, isosceles हो जाए या right triangle हो जाए, कुछ भी हो, ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है, a, b, c, question number 9 है, book नहीं है सभी के पास, चलिए मैं question number 9 लिख रहा हूँ, given the sets, given the sets A is equal to 1, 3, 5, B है 2, 4, 6, और C है 0, 2, 4, 6, 8, तो ये तीन सेट दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट,
considered as universal set for all the three sets A, B, and C. For all the three sets A, B, and C. अब देखिए आपको ना कुछ पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ पर. फर्स्ट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सेकेंड 5 मतलब एम्प्टी सेट. थर्ड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 से लेकर 10 तक. फोर्थ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी है. उन्होंने बोला तीन सेट है ए बी और सी. तो ये जो नीचे चार ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा सेट है जिसको यूनिवर्सल सेट माना जा सकता है इन तीनों का. थर्ड क्यों? क्योंकि देखिए 1, 3, 5 भी इसमें है, 1, 3 और 5. ठीक है 2, 4, 6 तो 2, 4, 6 भी इसमें है और 0, 2, 4, 6, 8 तो 0, 2, 4, 6, 8 ये भी है. हम इसको भी बोल सकते थे अगर इसमें 0 आता होता है ना, इसमें 0 नहीं है तो इस वजह से ये इसका यूनिवर्सल सेट है. ठीक है अब इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन बीच में थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो आप कर लीजिएगा. होमवर्क कम है थोड़ा आज के लिए, बाकी वेन डायग्राम जो है वो अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा. ठीक है और हम जो है अगले जो चैप्टर्स हैं ये जो सेट्स वाला है, ये सेट्स वाला इसमें से करेंगे, लेकिन अगले चैप्टर्स जो है मैं आरडी में से करवाने स्टार्ट करूँगा. ठीक है क्योंकि क्वेश्चन जो है हम बहुत कम कर दिए हैं इसमें. एन सी आर टी ने बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ ये सिलेबस बताने वाली रेफरेंस बुक बन गई है इस साल से. अगर आप देखेंगे इसमें तो फिर भी क्वेश्चन है पुराने वाले, नए वाले में क्वेश्चन बहुत कम कर दिए. चलिए जी ठीक है 1.3 के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन बस ओके.